अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। आजकल फ्लू की वैक्सीन जो है वो काफ़ी उसका चर्चा है, अवेलेबल है मार्केट में, बहुत से फार्मेसीज पे अवेलेबल है और हर जगह पे ये लगाई जा रही है, तो सोचा कि इसके बारे में आपको बता दें। बहुत से पेरेंट्स के सवाल थे, लगवानी कैसी है, क्या इसके असरात हैं, क्यों लगवानी चाहिए, किस उम्र तक लगवानी चाहिए, क्या डोज है, तो इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले ये एबट फार्मा है जिसकी ये वैक्सीनेशन है, 5 माह से ऊपर के बच्चों को लगाई जा सकती है। 0.5 ml डोज है इसकी, साल में एक दफ़ा जो है वो लगाई जा सकती है। बच्चों के साथ साथ बूढ़े जो हैं ये दोनों ज़्यादा विक्टिम होते हैं इन्फ्लुएंज़ा का। इन्फ्लुएंज़ा जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, इसमें फ्लू लाइक फ्लू की सिम्टम्स होती हैं जिसमें नाक का बहना, छींकें आना, फटीक, जिस्म दर्द करना, सर दर्द करना, उसके साथ थका थका रहना, बुखार होना, ये सब जो है इसकी अलामत हैं। बच्चों में और पूरी उम्र के लोगों में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इनमें इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। इम्यूनिटी मतलब कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। अब ये जो वैक्सीन है ये इन्फ्लुवेक टेट्रा के नाम से पाकिस्तान में आई है, एबट फार्मा की है। ये भी नहीं है कि बाहर की है और कोई कंपनी नेम नहीं है, कोई उस पर रिसर्च वगैरह नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जो इन्फ्लुएंजा के 4 टाइप के वायरसेस हैं, वैक्सीन जो होती है ये वायरस का जो होता है डेड वायरस होता है ये उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, फिर बॉडी उसके रिस्पांस में एंटीजन पैदा करती है। एंटीजन मतलब जो उन जो वायरस होते हैं उनके लड़ने के खिलाफ जो ताकत पैदा करता है, जो सिस्टम हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत है, कुव्वत मुदाफती निज़ाम है, वो आगे से प्रोड्यूस करता है, तो वो उसको यूज़ करके उनको मारा जाता है। अब ये जो वैक्सीन है ये 4 तरह के जो है फ्रेगमेंट हैं उनसे बनाई गई है, तो ये 4 किस्म के ही इन्फ्लुएंजा वायरसेस के ख़िलाफ़ जो है ये मोसर है। इसके अलावा अगर कोई नया रेडियंट आता है, कोई नया वेरियंट आता है, तो उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के वेरियंट जो है, जो वायरस है ये, इसको हम लोग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की जो बाउंड्री है उस पे रखते हैं, ठीक है। और ये हर साल अपनी शक्लें बदलता है, हर साल इसमें म्यूटेशन होती है, हर वक्त इसमें म्यूटेशन होती रहती है, साल तो दूर की है, तो इसलिए इसका इंटरवल जो है वो 1 साल के बाद रख दिया गया है। हर साल बाद ये जो उसमें कोई नई एडिशन की जाती है, कोई नया फ्रेगमेंट जो है वो डाला जाता है। अब ये तो थी यहाँ तक की इसकी बात, तो ये आप उन बच्चों को लगवा सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो बार बार जिनको फ्लू होता है उनको लगवाया जा सकता है। लेकिन फ्लू और चेस्ट कंजेशन में फ़र्क होता है, ब्रोंकाइटिस और फ्लू जो है ये अलहदा जो वो चीज़ें हैं, आपने ये ख्याल रखना है। वायरल फ्लू हो रहा है तो बच्चे को बार बार, तो उसके लिए आप ये वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको कोई और इन्फेक्शन हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रही है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, निमोनिया वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए ये नहीं है, उस पर ये असर नहीं करेगा। तो ये आपको अभी मेरे ख्याल में जो है हेल्थ सेंटर हैं जो हुकूमत के, यहाँ पे तो नहीं अवेलेबल है, ये प्राइवेट ही मिल रही है। तो आगे मौसम भी चेंज होने वाला है, सर्दियों का आने वाला है, तो ये बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए खासकर लाजमी, क्योंकि आगे मौसम जैसे ही चेंज होना है तो बहुत से वायरसेस जो हैं वो नए सर उठाते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन रहेगी, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कम होती है। बाकी होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, अगर फ़ायदेमंद है तो इसे शेयर करें, बाकी लोगों तक भी ये पहुंचे, और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लिया करें, आपको जवाब दिया जाएगा इस चीज़ का। लेकिन टू द पॉइंट बात जो है उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।